अपने YouTube ऐप से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप पा सकेंगे सुपरफैन थ्योरी की हर वीडियो अपडेट अपनी डिवाइस के स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंश है और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी सुपरफैंस का अपने इस चैनल सुपरफैन थ्योरी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि ये कॉमिक कॉन इवेंट बेसिकली क्या होता है और इस साल यानी कि 2017 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट से हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली ये बता देता हूँ कि कॉमिक कॉन इवेंट बेसिकली होता क्या है। दोस्तों, कॉमिक कॉन इवेंट हमारे कॉलेज में जो फेस्टिवल्स होते हैं या होते थे, लगभग उन्हीं की तरह 3-4 दिन का एक बड़े स्केल का इवेंट होता है, जिसमें कॉमिक बुक्स, साइंस फिक्शन या फैंटेसी नॉवेल्स के अलावा उनसे रिलेटेड मूवीज और टीवी सीरीज के ट्रेलर्स को वहाँ पे आई ऑडियंस को शोकेस करके उन्हें प्रमोट किया जाता है, ताकि कॉमिक्स या फैंटेसी नॉवेल आर्ट के प्रति अवेयरनेस फैल सके और कॉमिक कल्चर जो आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसे बढ़ावा मिल सके। और ये कॉमिक कॉन इवेंट्स दोस्तों दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में हर साल होते हैं, पर दुनिया का सबसे बड़ा कॉमिक कॉन इवेंट दोस्तों सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल को माना जाता है, जिसे शॉर्ट में हम SDCC भी बोलते हैं। और ये इवेंट इस साल US टाइम के अकॉर्डिंग जुलाई 20th से जुलाई 23rd तक 4 दिन के लिए सैन डिएगो कन्वेंशन सेंटर में होगा। और जितनी भी बड़ी बड़ी आप मार्वल या DC के कैरेक्टर्स से रिलेटेड सुपर हीरो मूवीज या कॉमिक बुक और फैंटेसी नॉवल से रिलेटेड टीवी सीरीज, वेब सीरीज या कुछ भी रिलेटेड देखते हैं, वो सभी ज्यादातर सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट में ही सबसे पहले ऑडियंस के लिए रिवील किया जाता है। चाहे फिर वो आपका लास्ट ईयर आई जस्टिस लीग का ट्रेलर हो, जो YouTube पे ऑफिशियली रिलीज होने से पहले लीक हो गया था, या MCU के चैप्टर की सबसे फर्स्ट मूवी आयरन मैन हो, जो कि 2008 में आई थी, या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स, द वॉकिंग डेड, गॉथम या एजेंट्स ऑफ शील्ड जैसे ढेरों पॉपुलर टीवी सीरीज हो। उन सबके ट्रेलर्स मोस्टली कहीं भी इंटरनेट पे आने से पहले या YouTube पर आने से पहले ऑडियंस को सबसे पहले इसी इवेंट में दिखाए जाते हैं। और जिस भी मूवी या टीवी सीरीज को सबसे ज्यादा क्रिटिकली पसंद किया जाता है, उसे विल आइसनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड से नवाजा जाता है, जो कि कॉमिक बुक वर्ल्ड में ऑस्कर लेवल का रेपुटेटेड अवार्ड है। एनीवेज, तो अगर कोई भी रेगुलर पर्सन इस इवेंट को अटेंड करना चाहता है, चाहे वो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो नॉर्मली सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट परचेज करके इसे अटेंड कर सकता है। जनरली इन्फॉर्म करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस इवेंट में होता ये है दोस्तों कि मूवीज या टीवी वेब सीरीज जो इस इवेंट में प्रमोशन के लिए आई होती हैं, उनको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि फ्लैश और एरो तो अलग टीवी सीरीज है, तो उन दोनों को अलग अलग टाइम स्लॉट दे दिया जाएगा। तो इस तरह से हर एक पैनल को लगभग 45 से 90 मिनट तक उनके रिक्वायर्ड टाइम के अकॉर्डिंग स्लॉट्स दिए जाते हैं, जिसमें हर एक पैनल में शो या मूवी की स्टार कास्ट को स्टेज पर बुलाया जाता है, जो कि ऑडियंस के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करते हैं। और कुछ लिमिटेड अमाउंट में इंडिपेंडेंट मीडिया पर्सन्स और यूट्यूबर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो मेकर्स या स्टारकास्ट से उनकी मूवीज या टीवी सीरीज या वेब सीरीज के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं, और फिर ज़्यादातर लास्ट में या कभी कभी बीच में या स्टार्टिंग में भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर मूवी या टीवी वेब सीरीज के टीजर को ऑडियंस को दिखाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों रफली एक सेगमेंट वर्क करता है और एक पैनल के बाद दूसरे पैनल की बारी आती है। और इसी तरह से मूवीज, टीवी वेब सीरीज, कॉमिक या नॉवल एग्जीबिशन वगैरह एक ही टाइम पर अलग अलग रूम्स या हॉल्स में अपने अपने दिए गए टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। वेल, तो आई थिंक अब आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका होगा कि कॉमिक कॉन इवेंट में क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं इस साल के सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस इवेंट में शोकेस किए जाने वाले हर टीवी या वेब सीरीज या मूवीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वो सब आपको बताने लग गया तो ये वीडियो 2-3 घंटे की बन जाएगी और आप एक टाइम के बाद बिल्कुल बोर हो जाएंगे। इसलिए कुछ सिलेक्टेड पॉपुलर टीवी वेब सीरीज या मूवीज को हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा हाइप का टॉपिक 1-2 दिन से बना हुआ है, वो है मार्वल की अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट को अटेंड करने आई ऑडियंस के लिए शोकेस किया जाएगा। तो हो सकता है कि साथ के साथ या 1-2 दिन के गैप में YouTube पर भी इस ट्रेलर को रिलीज कर दिया जाए। और क्योंकि इस साल कॉमिक कॉन इवेंट में MCU की 10th एनिवर्सरी होगी, क्योंकि आज से 10 साल पहले 2007 में आयरन मैन मूवी का ट्रेलर सबसे पहले कॉमिक कॉन इवेंट में डिस्प्ले किया गया था, तो उम्मीद है कि इन्फिनिटी वॉर के साथ साथ MCU का 10th ईयर सेलिब्रेशन भी कॉमिक कॉन इवेंट में मनाया जाएगा। और साथ ही साथ थॉर रैग्नारोक के सेकंड ट्रेलर को भी कॉमिक कॉन इवेंट में दिखाई जाने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा हाइप जनरेट करने वाली मूवी जस्टिस लीग का सेकंड ऑफिशियल ट्रेलर भी आपको कॉमिक कॉन इवेंट में देखने को मिलेगा, जिसमें जो सीन्स अवेंजर्स फेम डायरेक्टर जॉस वेडन ने रीडायरेक्ट किए थे, वो इस ट्रेलर में दिखाई जाएंगे। मतलब कि DC और मार्वल दोनों की अब तक की सबसे बड़े बजट की मूवी के टीजर ट्रेलर आपको सबसे पहले कॉमिक कॉन इवेंट में देखने को मिलेंगे, जो कि फैंस के लिए ऑब्वियसली एपिक मोमेंट होगा।
वैसे इस बात के भी चांसेस हैं दोस्तों कि डीसी की एक्वामैन मूवी जो नेक्स्ट ईयर दिसंबर में रिलीज होनी है, उसका टीजर भी कॉमिक कॉन इवेंट में दिखाया जाएगा। इसके अलावा हो सकता है दोस्तों कि डेडपुल के सीक्वल डेडपुल 2 का ट्रेलर आपको इस कॉमिक कॉन इवेंट में देखने को मिल जाए। डेडपुल 1 एक लो बजट मूवी होने के बाद भी काफी ज्यादा पसंद की गई थी, तो इस बात के 100% चांसेस हैं दोस्तों कि डेडपुल 2 की क्वालिटी लास्ट डेडपुल से बेटर होने वाली है, और ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट के मामले में भी ये पहली डेडपुल से ज्यादा अच्छी मिलेगी। इसके अलावा ये भी हो सकता है दोस्तों कि 20th सेंचुरी फॉक्स की ही एक्समैन डार्क फिनिक्स और एक्समैन न्यू म्यूटेंट्स जो कि नेक्स्ट ईयर 2018 में रिलीज की जाएंगी, उनका टीजर कॉमिक कॉन इवेंट में देखने को मिल जाए। पर दोस्तों लास्ट टाइम एक्चुअली जब फॉक्स ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट अटेंड किया था, तब उसमें डेडपुल और एक्समैन एपोकलिप्स के जो टीजर दिखाए गए थे वो पैनल पूरा होने से पहले ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर फैंस ने लीक कर दिए थे, जिसकी वजह से 20th सेंचुरी फॉक्स काफी डिसअपॉइंट हुई थी। तो हो सकता है कि मे बी इस बार 20th सेंचुरी फॉक्स अपनी तीनों मूवी डेडपुल 2, एक्समैन डार्क फिनिक्स और एक्समैन न्यू म्यूटेंट्स के ट्रेलर रिवील ना करे, या लीक से बचने के लिए साइमल्टेनियसली यूट्यूब पे भी रिलीज कर दे। अगर टीवी सीरीज की बात की जाए दोस्तों, तो गौतम जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट टीवी सीरीज है, उसका फोर्थ सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो इस टीवी सीरीज के फोर्थ सीजन की भी एक्सक्लूसिव फुटेज हमें कॉमिक कॉन इवेंट में देखने को मिलेगी। जो फैंस नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि गौतम टीवी सीरीज एक्चुअली ब्रूस वेन के बैटमैन बनने से पहले की स्टोरी है, जिसमें ब्रूस वेन किन हालातों में बैटमैन बनता है और जो कुछ बैटमैन से रिलेटेड कैरेक्टर्स या सुपर विलेंस हैं, जैसे कि जोकर, पेंगुइन, रिडलर, कैटवुमन, जेम्स गॉर्डन वगैरह, ये सब भी कैसे ओरिजिनेट होते हैं, ये सीरियल उस चीज़ पर बेस्ड है। तो अगर आप भी बैटमैन के फैन हैं दोस्तों, तो आपको ये टीवी सीरीज डेफिनेटली पसंद आएगी, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस टीवी सीरीज को फॉलो जरूर करिएगा। इसके अलावा एजेंट्स ऑफ शील्ड भी दोस्तों 5th सीजन पे पहुंच गया है, जिसमें लास्ट सीजन में तो फैन फेवरेट होस्ट राइडर को भी कुछ एपिसोड्स में दिखाया गया था, जो कि फैंस के लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज था। तो देखते हैं कि एजेंट्स ऑफ शील्ड के 5th सीजन से रिलेटेड क्या नई एक्साइटिंग वीडियो फुटेज हमें कॉमिक कॉन इवेंट में देखने को मिलती है। हो सकता है कि एजेंट्स ऑफ शील्ड के इस सीजन के कुछ इवेंट्स इन्फिनिटी वॉर से रिलेटेड हों, क्योंकि जो फैंस नहीं जानते उनको मैं बता देना चाहूंगा कि एजेंट्स ऑफ शील्ड के 3rd सीजन और अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बीच एक तरह से मिनी क्रॉसओवर हो चुका है। हालांकि कोई कैरेक्टर हमें मूवी से टीवी सीरीज में या टीवी सीरीज का मूवी में देखने को नहीं मिला था, पर जो हेल कैरियर निक फ्यूरी ज़कोविया के लोगों को बचाने के लिए मूवी के लास्ट में लेकर आता है, वो सेम हेल कैरियर ही शील्ड के एजेंट सीजन 3 में हाइड्रा के सीक्रेट एजेंट से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर आप इसे क्रॉसओवर कहना ना पसंद करें, तो हल्का सा कनेक्शन तो ऑब्वियसली था, पर हो सकता है कि फ्यूचर में ये कनेक्शन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि एजेंट्स ऑफ शील्ड के 4th सीजन के क्लाइमेक्स में फिल कॉल्सन को स्पेस में दिखाया जाता है, पर ये रिवील नहीं किया जाता कि ऐसा क्यों होता है। तो ये एक तरह से अभी तक अनसॉल्व मिस्ट्री है। तो ये हो सकता है कि इन्फिनिटी वॉर से रिलेटेड कोई छोटा सा कनेक्शन एजेंट ऑफ शील्ड के 5th सीजन में देखने को मिल जाए, या मे बी ये इनह्यूमन से रिलेटेड कोई सरप्राइज हो सकता है। एनीवेज, तो अब इनह्यूमंस का जिक्र हो गया है दोस्तों, तो मार्वल के अब तक के सबसे हैवीली एडवर्टाइज किए गए टीवी शो इनह्यूमंस, इसके पहले 2 एपिसोड्स की स्क्रीनिंग आईमैक्स थिएटर में 2 वीक के लिए की जाएगी, उसकी कुछ स्पेशल फुटेज फैंस को कॉमिक कॉन इवेंट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लैक बोल्ट या इनह्यूमंस के फैंस के लिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा। इसके अलावा मेरे एक और वन ऑफ द फेवरेट टीवी शो द वॉकिंग डेड के 8th सीजन का टीजर भी सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट में दिखाया जाएगा। जो फैंस नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि ये टीवी सीरीज एक्चुअली इमेज कॉमिक्स की एक ऑनगोइंग कॉमिक सीरीज पर बेस्ड है, जिसमें कोई सुपर हीरो तो नहीं है, पर एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया गया है जिसमें ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं पूरी दुनिया में, और सब कुछ एक तरह से तबाह हो चुका है। तो इस टीवी सीरीज में रिक ग्राइम्स नाम का एक करेक्टर है, जो खुद को और अपनी फैमिली और अपने ग्रुप को ज़ॉम्बीज के अटैक से और बाकी दूसरे सर्वाइविंग ग्रुप से बचाने की कोशिश करता रहता है। तो ये आई थिंक कॉमिक बेस्ड करेक्टर पर सबसे लंबी चलने वाली टीवी सीरीज है, और इसे बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज का अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा फ्लैश, एरो, सुपरगर्ल, लीजन और लीजन्स ऑफ टुमारो जैसे काफी टीवी सीरीज हैं, जिनके नेक्स्ट सीजन की फुटेज हमें कॉमिक कॉन इवेंट में देखने को मिलने वाली है। इन सब के अलावा डीसी की एक और नई सुपर हीरो थीम पे टीवी सीरीज ब्लैक लाइटनिंग की एक्सक्लूसिव फुटेज को कॉमिक कॉन इवेंट में दिखाई जाने के सॉलिड चांसेस हैं। वेब सीरीज में भी दोस्तों नेटफ्लिक्स के द डिफेंडर्स और पनिशर दोनों के 1st सीजन की एक्सक्लूसिव फुटेज हमें कॉमिक कॉन इवेंट में देखने को मिल सकती है, जो कि इस साल आने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर स्टार्ट हुए स्ट्रेंजर थिंग्स के 1st सीजन को भी फैंस से काफी अप्रिशिएशन मिला था, और मुझे भी इसका 1st सीजन देखने में काफी अच्छा लगा था। तो इसके 2nd सीजन के टीजर को भी कॉमिक कॉन इवेंट में डिस्प्ले किया जाएगा।
इन सब के अलावा वेरियस एनिमेटेड या कार्टून सीरीज जैसे मार्वल की नई स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज और डेडपूल की आर रेटेड एनिमेटेड सीरीज के फर्स्ट सीजन, डीसी की टीन टाइटंस को और यंग जस्टिस एनिमेटेड सीरीज के नेक्स्ट सीजन का ट्रेलर और डिज्नी का चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया डकटेल्स भी दोस्तों फिर से रीबूट हो रहा है इस साल, जिसकी एक्सक्लूसिव फुटेज हमें कॉमिक कॉन इवेंट में दिखाई जाएगी। तो ऐसे ही कुछ और भी इंटरेस्टिंग एनिमेटेड सीरीज हैं जिनकी फुटेज कॉमिक कॉन इवेंट में दिखाई जाएगी इस बार। और कॉमिक्स नॉवेल्स के सेक्शन में भी दोस्तों नॉट सो सीक्रेट सोसाइटी, डीसी की रीबर्थ कॉमिक्स के नए इश्यूज, मार्वल कॉमिक्स के कुछ इश्यूज और इमेज कॉमिक्स की द वॉकिंग डेड की नई स्टोरी लाइन कॉमिक्स भी कॉमिक कॉन इवेंट में डिस्प्ले की जाएंगी। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत कुछ है, जैसे वेरियस पॉडकास्ट सेशंस, कॉमिक लीजेंड स्टैनली को सेलिब्रिटी ट्रिब्यूट, डीसी और मार्वल का कोई अननोन प्रोजेक्ट भी है और कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल Q&A सेशंस, और तो और हर बार की तरह कुछ वीडियो गेम्स और टॉयज वगैरह का भी एग्जीबिशन किया जाएगा। तो कुल मिला के ये सब ऑसम चीज़ें हैं जो कॉमिक कॉन इवेंट में होने वाली हैं इस बार। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से कॉमिक कॉन इवेंट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सभी लोगों के लिए, और आप सभी सुपर फैंस को आइडिया लग गया होगा कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल के दुनिया के सबसे बड़े कॉमिक कॉन इवेंट्स में। वैसे डोंट वरी गाइज, अगर आप किसी पर्टिकुलर टीवी या वेब सीरीज को फॉलो करने में इंटरेस्टेड हैं तो उनसे रिलेटेड अपडेट्स मैं आपको सुपर न्यूज़ के अपकमिंग सेशंस में देता रहूँगा। एनीवेज, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं ऐसे ही फ्यूचर में इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी लेकर आता रहूँगा, पर तब तक के लिए चाहूँगा आप सभी सुपर फैंस से इजाज़त। पीस।